हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज मैं आपको निसान माइग्नाइट के नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं वो बताने वाला हूं। अगर आप निसान की माइग्नाइट लेना चाह रहे होंगे तो हो सकता है कि इन बातों पर आप ध्यान दें, क्योंकि यहां पे जो है कोई भी कार परफेक्ट नहीं होती है और इस कार में भी कुछ ऐसी कमियाँ हैं जो कि माइनर कमियाँ हैं, लेकिन मैं आपको उन्हें बताना चाहता हूँ कि क्या क्या जो है माइनर कमियाँ इस कार में दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फ्रंट की बात करूँगा, तो फ्रंट में किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको नज़र आने वाली नहीं है, क्योंकि फ्रंट की लुक और यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें दिख रही है वो बिल्कुल परफेक्ट मुझे लगती है। यहाँ पे कमी जो है वो आपको साइड से देखने को मिलेगी, और वो कमी है ये जो ORVM है वो, क्योंकि यहाँ से अगर आप की से लॉक और अनलॉक अगर आप करते हैं तो वहाँ पर आपकी ORVM जो है वो ऑटो फोल्डेबल नहीं है। तो जब भी आप पार्किंग में इस कार को खड़ा करते हैं और वहाँ पे जब आप इसे लॉक करके आते हैं तो वहाँ पे आपकी मिरर जो है, आपकी ORVM जो है वो आपकी ओपन रह जाती है, जबकि इस सेगमेंट के सभी कारों में ORVM जो है वो ऑटो फोल्डेबल मिलती है। तो ये चीज़ जो है वो आपको कहीं पर कमी लग सकती है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट जो है ये मुझे लगी है। और मैं अगर आप साइड की बात करें या फिर साइड की लुक देखें, यहाँ पे आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप देखें ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको 205 mm की मिलती है, तो ग्राउंड क्लियरेंस से भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। 16 इंच के टायर जो हैं वो भी आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। बाकी साइड की लुक जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। दूसरी जो कमी है वो मैं आपको रियर से देने वाला हूँ, क्योंकि रियर में जो है एक कमी आपको आने वाली है अगर यहाँ पे आप ध्यान दें तो। हालांकि अगर आप यहाँ पे रियर पे देखते हैं इसकी लुक को, तो लुक आपको काफ़ी अच्छी लगने वाली है। टेल लैंप की लुक भी काफ़ी परफेक्ट है, और यहाँ पे जो मैग्नेट की बेजिंग की गई है वो भी काफ़ी शानदार आपको लगने वाली है। तो यहाँ पे कमी क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे कमी जो है आपको जब बूट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है। यहाँ पे आपको बूट ओपन करने के लिए सिर्फ जो है यहाँ पे ये बटन जो है वो आपको मिलती है, और अंदर से आपको कोई भी लीड वगैरह नहीं दी गई है। अंदर से आप फिजिकल रूप से बूट को ओपन नहीं कर सकते हैं, और ना ही यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी यहाँ पे की से रिलेटेड चीज़ें दी गई है कि की से भी आप इसको, इस बूट को ओपन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है जब आपकी बैटरी लो हो जाती है या फिर आपकी बटन जो है, ये बटन अगर किसी तरह से ये अगर प्रॉब्लम में फंस जाती है या ख़राब हो जाती है तो फिर आपको बूट ओपन करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। तो ये एक मुझे नेगेटिव पॉइंट लगे कि यहाँ पर अगर अंदर से या फिर यहाँ ऊपर में अगर आपको या फिर की से कोई फंक्शन दी होती कि अगर आप वहाँ से भी आपको दूसरी ऑप्शन मिलती है बूट ओपन करने की, तो ये बहुत ही बढ़िया बात होती। बाकी यहाँ पे अगर आप साइड की लुक देखते हैं तो साइड की और रियर की लुक काफ़ी अच्छी आपको मिलने वाली है। तीसरी जो नेगेटिव पॉइंट लगी वो मुझे लगी ये एंटीना, ये टॉप मॉडल की कार है और यहाँ पे आप देखें तो सार्फिन एंटीना जो है वो यहाँ पे मिसिंग की गई है। यहाँ पे नॉर्मल एंटीना जो है वो आपको दी जाती है। अगर सार्फिन एंटीना यहाँ पे होता तो काफ़ी बेहतरीन लुक इस कार की आती और देखने में और भी खूबसूरत लगता। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट्स है वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर की बात करें तो ये तीन कमियाँ जो हैं वो मुझे नज़र आती है, बाकी कार जो है वो परफेक्ट है। यहाँ पे इसके साइड की लुक या फिर फ्रंट की लुक या फिर रियर की लुक लें या फिर जो भी आप यहाँ पे फिट एंड फिनिश देखते हैं वो भी काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। चलिए अंदर देखते हैं अंदर में कौन कौन सी कमियाँ जो है वो आपको नज़र आएगी। तो यहाँ पे आते हैं तो सबसे बड़ी कमी जो है वो मुझे लगती है कि थोड़ी सी डोर और ओपन होनी चाहिए थी तो ज़्यादा अच्छी होती, खास करके रियर की डोर जो है वो, छोटी सी डोर जो है वो आपको थोड़ी मिलने वाली है, लेकिन और थोड़ी सी वाइड अगर ये ओपन होती तो ज़्यादा बढ़िया होता। लेकिन यहाँ पे कमी की बात करें तो ये जब आप कार के अंदर बैठते हैं और यहाँ पे आप लॉक यहाँ से कर देते हैं चारों डोर को, अब यहाँ से अगर आप ओपन करते हैं तो ये जो है डोर ओपन नहीं होती। इसके लिए आपको ओल्ड तरीके से यहाँ पे आना होता है, फिर आपको इसे ओपन करना पड़ता है। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी थी, यहाँ से अगर ओपन हो जाती तो ये जो है एक नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे बन रही है इस निशान की मैग्नाइट में। ये चीज़ अगर यहाँ से ओपन होती तो बहुत ही बढ़िया होता। तो ये कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। दूसरी जो कमी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। दूसरी कमी है IRVM, जो कि IRVM यहाँ पे मैनुअल दी गई है और काफ़ी उतनी जो है खास IRVM आपको नहीं मिलती है। यहाँ ऑटो डिमिंग IRVM अगर टॉप मॉडल में मिलती तो काफ़ी बढ़िया होती, क्योंकि इस सेगमेंट के सभी गाड़ियों में आपको लगभग दी जा रही है, तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी होती।
और एक जो कमी है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये जो है आपको फिक्स आर्मरेस्ट मिलता है यहाँ पे। अगर ये थोड़ी सी एडजस्टेबल है आर्मरेस्ट होती तो ये काफ़ी बढ़िया होती, क्योंकि अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो थोड़ी सी परेशानी होगी, और ये अगर एडजस्ट हो जाती तो बहुत ही बढ़िया होती। यहाँ पर आपको किसी भी तरह की स्टोरेज भी आपको नहीं मिलने वाली, हालांकि स्टोरेज की कमी नहीं है सेंट्रल कंसोल में, यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्टोरेज जो है वो मिलता है। यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिलता है और यहाँ भी आपको स्टोरेज मिलता है मोबाइल वगैरह के लिए। तो ये चीज़ जो है आर्मरेस्ट अगर खाली यहाँ पे जो है वो एडजस्टेबल होता तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे ये कार जो है देखने में लगती और थोड़ी अच्छी भी लगती। दूसरी कमी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब आप इसे ओपन करते हैं इस म्यूजिक सिस्टम को, इन्फोटेनमेंट सिस्टम को, तो यहाँ पे मैं इसमें कमी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो इसकी टच रिस्पॉन्स है वो थोड़ी सी लैक महसूस होती है। अगर आप कार को चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, और उस वक्त अगर आप यहाँ पे इसे टच कर रहे हैं तो आपकी वॉल्यूम जो है वो माइनस प्लस नहीं होती, परफेक्ट जगह पे आपको यहाँ पे देखिए परफेक्ट जब जगह पे इसको जो है प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पे एक नोब अगर दी गई होती वॉल्यूम से रिलेटेड तो ये जो है काफ़ी बढ़िया होती, क्योंकि जब आप कार को ड्राइव करते हैं तो उस वक्त उसमें काफ़ी आसानी होती है। हालांकि आप जब भी इसे चलाएंगे उसके बाद जो है धीरे धीरे आपकी हाथ जब यहाँ पे बैठ जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा, तो ये चीज़ होती तो थोड़ा बढ़िया होता। बाकी यहाँ पे अगर आप इस कार में देखें तो फिट एंड फिनिश थोड़ी सी और बेहतरीन हो सकती थी। इस सेगमेंट की जो गाड़ियाँ हैं उनमें थोड़ी सी फिट एंड फिनिश जो है वो आपको अच्छी मिलने वाली है, और ये सब चीज़ें जो हैं ये थोड़ी सी आपको और बेहतरीन हो सकती थी। ये छोटी मोटी कमियाँ यहाँ पे देखने को मिलेगी, हालाँकि इसकी प्राइस के अनुसार जो है ये सब कमियों को आप नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक और है यहाँ पे कमी, जो कि मुझे भी लगती है कि यहाँ पे आप फुटरेस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है लेकिन यहाँ पे आप देखें तो फुटरेस्ट की कोई भी स्पेस या फिर जगह आपको नहीं मिलने वाली है, जो कि आपके हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत जो है वो आ सकती है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी प्राइस के अनुसार इसकी सीट की कुशनिंग और इसकी मोटापा जो देखें वो थोड़ी सी आपको कम मिलती है, यहाँ पे आपको कुशनिंग जो है थोड़ी कम मिलती है, तो ये कॉस्ट कटिंग की गई। हालांकि कि जिस प्राइस में ये कार जो है लॉन्च की गई है तो उस अनुसार से मैं ठीक ठाक ही कहूँगा। तो ये कुछ कमियाँ थी, चलिए अब रियर की सीट पर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी कमियाँ आपको नज़र आने वाली है इस कार में। तो यहाँ पे अगर आप रियर पे आते हैं तो रियर में भी आपको किसी भी तरह की कोई कमी नज़र नहीं आएगी, लेकिन एक जो कमी आएगी वो आएगी यहाँ पे। यहाँ पे अगर एक छोटा सा हेडरेस्ट जो है आपको अगर मिल जाता तो काफ़ी बेहतरीन होता। बाकी यहाँ पे देखें तो दोनों जो हेडरेस्ट हैं वो आपको एडजस्टेबल दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छी होती है। हालाँकि इस सेगमेंट की कार में ये हेडरेस्ट हटा दिया गया है, बहुत सारी गाड़ियों में आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर होता तो काफ़ी बेहतरीन चीज़ जो है वो मानी जाती है। हालाँकि यहाँ पर आर्मरेस्ट जो है वो दी गई है और एक नई चीज़ भी ऐड की गई है जो कि काफ़ी बढ़िया, मोबाइल आप यहाँ पे एक मोबाइल रख सकते हैं। तो ये थी इस निसान माइग्नाइट की कुछ कमियाँ जो कि आपको देखने को मिलेगी अगर आप इस कार को ख़रीदते हैं तो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी अगर आप इस कार को ख़रीदना चाहते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, और अगर किसी भी तरह की जानकारी आपको लेनी है तो मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, वहाँ से आप इसके हर वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस को आप जान सकते हैं। अगर आप इस कार से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वहाँ से आप आसानी से ले सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।